दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान AK-101 के आगे के पहिए जाम हो गए हैं। Hello everyone, this is your captain speaking, Ferris. I'd like to welcome you aboard Air India. Waiting for instructions. AK-101, we have cleared runway 27 on emergency landing. You are clear to land. बिना सामने वाले पहियों के लैंड करना, प्लेन स्किप भी कर सकते हैं, एक्सप्लोड भी हो सकता है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, यूल भी खत्म, वी हैव टू फिनिश। की खबर ने मचा रखी है सबसे ज्यादा खलबली। फिल्म में इस किरदार के होने का क्या पड़ेगा फिल्म की सक्सेस पर असर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अजय देवगन की फिल्म मेडे को सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली फिल्मों में गिना जा सकता है, और हो भी क्यों ना। एक तरफ तो इस फिल्म की कहानी का सस्पेंस काफी समय से बरकरार रखा गया है, और दूसरी तरफ फिल्म में ऐसे ऐसे अभिनेताओं को रखा गया है जिनका अकेले ही किसी फिल्म में होना उसकी सक्सेस के लिए काफी होता है, और यहाँ तो ये पूरी एकता से काम कर रहे हैं। लेकिन इन सभी एक्टर्स के बीच कोई और ही है जिसने सारी लाइमलाइट चुरा रखी है, और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इसी किरदार के बारे में बताने वाले हैं। तो इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शायद आप में से कई लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं यूट्यूब सेंसेशन कैरी मिनाती उर्फ अजय नागर की, जो कि इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। और इस खबर ने उनके फैंस और उनके हेटर्स दोनों में ही बरकरार मात्रा में खलबली मचा रखी है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि किसी यूट्यूब एक्टर को बड़े पर्दे पर ब्रेक मिला है। इससे पहले भी कई बार हम यूट्यूबर टर्न्ड एक्ट्रेस को मेन लीड को कंपटीशन देते हुए देख चुके हैं। शुरुआत करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कनन गिल से, जिन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के दोस्त साद के किरदार में फिल्म नूर का नूर बढ़ाया था। अब सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग कैसी है इससे तो सभी वाकिफ है, तो गिल के लिए ये करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लिस्ट में अगला नंबर है पॉपुलर यूट्यूब चैनल AIB के को-फाउंडर और फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन तन्मय भट्ट का, जिन्होंने रागिनी MMS 2 और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए। कई नंबर पर आती है हमारी अपनी मल्लिका दुआ। वैसे तो हम YouTube पर इनके काम से ही इनके टैलेंट को जान गए थे, लेकिन हिंदी मीडियम में अपनी एक्टिंग से इन्होंने ऑडियंस के दिल जीत लिए, और हो भी क्यों ना। आखिर इरफान खान से लाइमलाइट शेयर कर पाना इतना आसान काम तो नहीं है। नेक्स्ट है फिल्म बार बार देखो में सिद्धार्थ मल्होत्रा के दोस्त का किरदार में नजर आए रोहन जोशी, ये भी AIB के ही सदस्य है। इनके अलावा भी हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर इन सभी के केस में एक चीज जरूर कॉमन थी, और वो ये थी कि जब जब इन क्रिएटर्स ने बड़े पर्दे पर एंट्री ली, सिनेमा हॉल तालियों की आवाज से गूंज पड़ा। और मे डे में तो यूट्यूब का राजा कैरी मिनाती खुद एंटर करने वाला है, तो ऑडियंस के रिस्पॉन्स को तो बिना फिल्म की कहानी जाने ही समझा जा सकता है। हालांकि हम आशा करते हैं कि जिस तरह कैरी मिनाती आज तक हमें अपने परफॉर्मेंस से खुश करते आए हैं, आगे भी ऐसे ही करें और एक्टिंग की दुनिया में भी अपना नाम का ठप्पा लगा दें। खैर, आप इसके बारे में कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास वीडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।